दर्शकबिन नमस्ते। आने दिन जका अपने सबके बीच में किछ गंथन किछ मंथन किछ समसामयिक राजनीति अवस्था ई सब विषय वस्तु लऽ कऽ उपस्थित छी। अखन सामाजिक संजाल उल्टा कऽ देखबै तऽ हरेक जगह या हरेक कनिक देर पर सामाजिक संजाल में देखाई देत जे फलाना व्यक्ति उम्मीदवार भ गेले, उम्मीदवार माने भ गेले ओकर चर्चा चलले, ई पार्टी एकरा उम्मीदवार बनते, अइ रूप से संगठन विस्तार भरल छै, ई विषय सब अखन प्राथमिकता में भेटै छै, सामाजिक संजाल में देखाई दै छै। फलाना व्यक्ति के बहुत दबाव छै उम्मीदवार बन के लेल, चिलाना व्यक्ति जका नीक उम्मीदवारे कोई नहीं छै, ई सब चर्चा अखन सामाजिक संजाल में भेटत। तकर बाद जे जनप्रतिनिधि सब छथिन हुनको सबके एकटा आकांक्षा इच्छा जागि रहल छै जे हम उम्मीदवार बनी। स्वाभाविक छै स्थानीय तह के निर्वाचन हेतै, जनता के सबसे नजदीक के निकाय से उम्मीदवार बननाइ नीक बात छै। मुदा हमर एकटा आग्रह जे ई नेपाल के एन संग्रह छै खंड 17, ई अपने सब अपन अपन घर में राख लेब। स्थानीय सरकार संचालन के विषय में सब चीज देल गेल छै जे ओकर काम कर्तव्य अधिकार वार्ड अध्यक्ष से लका मेयर गाविश के गांव पालिका के अध्यक्ष ई सब के काम कर्तव्य अधिकार अइ में उल्लेखित कयल गेल छै। जखन प्रतिनिधि सब आए तो अहाँ सब मत मांग के लेल तो कम से कम पूछबै जे अहाँ हमरा लेल 5 वर्ष में की कर देली, प्रश्न इएह छै। जनकपुर के अवस्था में देखबै तो जनकपुर के जखन उपमहानगर पालिका बनलै तो एकर भौतिक संरचना या जे मापदंड होइ छै उपमहानगर पालिका के ओहो मीट नहीं करैत रहे। मुदा 5 वर्ष जनप्रतिनिधि के काज करे के मौका भेटले और आब वो कह रहल छी जे हम सब महानगर बनाए। बाबा उपमहानगर पालिका के जे एकटा जे मापदंड छे ओकरा अहाँ 5 वर्ष में पूरा नहीं कर सकलिए, ई अवस्था अहाँ के छै। और ओ सब बड़का बड़का विकास के नारा दे रहल छै, कम से कम शौचालय के व्यवस्था होबक चाहिए, जनकपुर में शौचालय के व्यवस्था नहीं छे। इतबे नहीं, फोहर महिला के सब दिन समस्या छे जनकपुर में, ओकर दीर्घकालीन स्थायित्व समाधान नहीं भ सकले। दोसर जे अवस्था छै सार्वजनिक नगर के सभागृह होबक चाही, जे तकर बाद वधशाला के निर्माण होबक चाही, ई सब एकर उपमहानगर पालिका के मापदंड छै, ई मापदंड मीट नहीं कलकै या मीट कराबा के लेल या 4 वर्ष में जनप्रतिनिधि सब अइ पर केंद्रित भ क काज नहीं कलकै। स्थानीय तह के बात करबै जे नेपाल के संविधान बमोजिम स्थानीय तह के अधिकार संबंधी व्यवस्था कार्बेन संघीय प्रदेश स्थानीय तह बीच के सहकारिता सह अस्तित्व और समन्वय के प्रवर्धन करके उद्देश्य के साथ जन सहभागिता या उत्तरदायित्व पारदर्शिता सुनिश्चित सुलभ और गुणस्तरीय सेवा प्रवाह करके लेल स्थानीय सरकार गठन कयल जाय छै, ओकर दायित्व वएह छै। तखन 5 वर्ष के कार्यकाल में सबसे बड़का जे विडम्बनापूर्ण अवस्था देखबै तो ओ देखाई दै छै स्थानीय तह में, जे सुशासन के अवस्था नहीं छै, सुशासन पारदर्शिता के अवस्था नहीं छै। सुशासन माने शासकीय आयाम होइ छै, शासन संचालन के आधारभूत मान्यता प्रचलित कानून मापदंड विधि पद्धति सरकार वाला सब के सहभागिता सहित के शासन व्यवस्था होइ छै। और स्थानीय तह सबसे नजदीक नागरिक के सबसे नजदीक के सरकार छै, नागरिक के सब प्रकार के समस्या सब के संबोधन करे वाला सबसे पहिल संयंत्र छै स्थानीय निकाय, या कहबै त स्थानीय सरकार, किया त ओ सरकार कहै छै।
एकर अर्थ ई छै जे व्यक्ति के गर्भ से ल क जे मृत्यु भ जाय छै श्मशान घाट तक के जे समस्या सब अबै छै सब के निराकरण और ओहि में सहयोग कर के दायित्व स्थानीय तह के छै स्थानीय सरकार के छै। कोनो व्यक्ति के जन्म भ जाय जन्म से ल क मृत्यु धर के जे सरकार प्रमाणित करै छै और कानून रूप से जे ओकरा मान्यता भेटे छे ओई के काम करे छे स्थानीय सरकार। दोसर से स्थानीय सरकार के दायित्व छे जिम्मेवारी छे काज सब पर ओकरा कांध पर जे हमरा सबके ई चीज पूरा करे के है। कतेक पूरा कैलक एक बेर समीक्षा करब। 5 वर्ष में जे हम सब अपन जनप्रतिनिधि के दायित्व दिलिए वो दायित्व वो सब कतेक पूरा कर सकले ई एकटा गंभीर ई अखन के अवस्था में गंथन मंथन के सवाल छे चिंतन मनन के सवाल छे। देखबे जे स्थानीय तह के अखन चर्चा परिचर्चा उम्मीदवार सब के भ रहल छै जे विभिन्न जगह पर जे उम्मीदवार सब अखन खास कर के सामाजिक संजाल सब में अपन उम्मीदवार के चर्चा परिचर्चा कर रहल छथिन। और अवस्था ई छै जे राजनीति पार्टी के बात करबै त कांग्रेस के मनोबल डाउन भ चुकल छै। कांग्रेस के ई लागि रहल छै जे विगत के चुनाव में जे कांग्रेस के अवस्था छलै ओही कांग्रेस के अवस्था से ई लागि रहल छै जे आब बेरा पार लगनाई कठिन छै। ओही अवस्था में कांग्रेस जै रूप से बनेने होय छल कपट प्रपंच तमाम हथकंडा अपना के बनेने होय 5 दलीय गठबंधन 5 दलीय गठबंधन में छुट्टे चुनाव जाय के आत्मविश्वास नहीं छै। चाहै छै गठबंधन जेना ने तेना क जाय। नेपाली कांग्रेस के सभापति प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा कहलखिन जे माओवादी केन्द्र संगे गठबंधन क के निर्वाचन में जाय पड़ते। हुनकर कहब रहे जे पुष्पकमल दहाल प्रचंड के जे एकटा राजनीति चरित्र छै ओ राजनीति वो सब दिन जीत के राजनीति खेल चाहे छै। त अगर वो ओकरा बुझते जे अगर अकेले चुनाव में गेला से बाद वो चुनाव में हम हार जाए तो वो चुनावे में नहीं जाते ते और दोसर दिस वो अपन कार्यकर्ता हुनकर बुझाए छे जे एमाले जते हम अहाँ बुझे छे ओते कमजोर नहीं छे ते दुआरे एमाले के नेकपा एमाले के परास्त कर के है तो कम से कम गठबंधन आवश्यक है। पार्टी तो फूटल है ई बुझू जे पार्टी फूट गेल छे एमाले मुदा जते हम अहाँ सोचे छी ओते कमजोर नहीं छे एमाले। और ई अवस्था खास कर के प्रधानमंत्री के कहब छे अपने सबके हुनकर ई सुनबे छी तकर बाद अन्य राजनीति पर सेहो प्रवेश करब। हाल का होगी है जो हो जो शेखर जी हाल बताओ फिर मैं जा रहा हूँ अब जीता हूँ कि संतुलति हो नि सबै साथी जित्नु हुँदाखेरि पनि बदमास हल हुन्छ नि। पार्टी सभापति पाहाडले बनाए हुनु जितिहाले धन्यवाद छ। मेरो कर्तव्य के हो भने पार्टीलाई जिताउने हो आफ्नो काम। त्यस कारण चाहिँ सबै साथी जित्नु पनि मेरो चाहना शेखर जित्नु अरुणजी जित्नु सबै मेरो सबै जित्नु सक्नु उहाँ जित्नु फेरि उहाँ कोर्टले उहाँ उहाँ दाजु दसी जित्यो म भाइ दसी जित्यो गर्ने हो त्यहाँ जित्नु मृत्यु भिड छ। त्यस कारण पार्टी नहाल छ मेरो चिन्ता मलाई केही छैन। मलाई अब धेरै राजनीति गर्नु छैन भइसक्यो। अर्को कुरा पार्टीको कुरा गरिदियो भने मैले कुनै यस बेला चाहिँ बिबीकुवालाई संलग्न भएको कामको कारण भन्न चाहन्छु। तर हाम्रो पार्टीको गुट पहिले गुट थियो नि बिबीकुवालाई गुट सुवर्ण सुधार गुट सुनिबाबु गुट कृष्णजी गुट पनि भन्थे पछि पनि गिर्जाको गुट त्यो हाम्रो कृष्ण भट्टराई गुट भइगयो। त्यस पछाडि गुट भइगयो चाहिँ गर्दै थियो त्यस कारण गुटबाट पनि पार्टी मुक्त हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस् अब अरू कुरा के भनेदेखिलाई माओवादी एमाले मिलिसक्यो हामी अब माओवादी फुटे हामी जितिहाल्छौँ भन्छौँ फेरि मिल्दियो भने नि मिल्दियो भने दिउँ भोट उहाँलाई मिल्ने मिल्ने दिने इच्छा हो भने के त गर्नु के हो। त्यस कारण चाहिँ
उहाँहरू मिल्ने सम्भावना अझै घटेका छैन। म चाहिँ उनीहरू मिल्दैन कुनै हालको मिल्नु भन्ने कुरा होइन। हिजो ओलीजी मेरो त मित्र हामी जेलासँगै बसिया मान्छे कस्तो दुःख दिएको थियो सबलाई, बाप रे बाप, सब डराएर थके भएको कर्मचारी डराएर थके मान्थे, पुलिस डराएर थके मान्थे, प्रेस थके मान्थ्यो, सेल्फ सेन्सरसिप फेरि उसले पकड्थ्यो भने हेरिरहने सेन्सरसिप लाग्यो, सेन्सरसिप लागेको कस्तो आउँछ। त्यस कारण चाहिँ वास्तवमा त चुनाव लड ओलीले ओलीले संसद बिगार्दै गर्दाखेरि चुनाव लडौँ भन्ने पछिमा थिएँ, म त चुनाव पछिमा थिएँ। तर अदालतले चाहिँ यो हामीले बनाएको संविधान अनुसार चाहिँ फिर्ता गरिदियो। फिर्ता गरेपछि चाहिँ फिर्ता गरिसकेपछि के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ सबैले सबैले प्रधानमन्त्री बनिहालेँ मैले, त्यही मेरो गल्ती थियो भने भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री मेरो गल्ती बोल्नु गल्ती भने भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बनाउने साझा त केटाउ भन्ने मैले अहिले आएर मिल्ने मिल्छ कुरा मैले। उहाँको चिन्ता सेनाको चिन्ता सबैको चिन्ता के हो भने पार्टी कमजोर नहोस् बलियो होस् भन्ने चिन्ता होला, धन्यवाद राम्रो कुरा हो। यस कारण चाहिँ पार्टीलाई बलियो बनाउने पनि हो। स्थानीय तहमा स्थानीय तहको चुनावमा कहाँ सजिलो चाहिँ छैन, हेर्नुहोस् के अरे सहमति आउनु सजिलो चाहिँ छैन, सब कुरा पनि बुझिहाल्छु। यो स्थानीय तहको चुनाव अगाडि आइहाल्यो, स्थानीय तहको चुनाव पनि टाका सकेसम्म गर्ने भनेको छु। कतिसम्म प्रचण्ड जित्नु भएको छ, कतिसम्म माधुरी बालले जित्या, माधुका मान्छे जित्या छ, कतिसम्म हाम्रो पनि जित्या छ, स्थानीय तहमै हाम्रोभन्दा बढी अर्को जित्या छ, के गर्ने स्थानीय तहमा पनि हाम्रोभन्दा बढी चाहिँ एमाले र माओवादी जित्या छ, त्यो जित्या छ। त्यहाँ त कसरी बुझाउने थियो मेरो अझै ओलीको उद्योग छ भन्ने कुरा झुटा कुरा होइन, ओलीजीको पार्टी धेरै बलियो छ। त्यस कारण चाहिँ अरे केही पनि होइन, ओलीले माओवादी फुटिहाल्यो हामी जितिहाल्छौँ भने आशा गर्नुभयो हुन्छ, फेरि प्रचण्ड हार्ने चुनाव छ, मिलिदिन्छ जात सजिलो हुन्छ मिलिदिन्छ, त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि। हामी मिल्दैन, देशलाई एक बनाउनु पर्ने हाम्रो पार्टीको दायित्व हो। नेपालमा एउटा मात्रै पार्टी जित्छ, नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो, सबैलाई थाहा छ। अरू त कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएका हुन्, अहिलेदेखि आएकै हुन्, कम्युनिस्टको भन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्या छ नेपालमा, स्थानीय तहमा त्यस्तै भएको हो, प्रदेशमा त्यस्तै भएको हो, बल्ल बल्ल हाम्रो के ठाउँ हाम्रो मुख्यमन्त्री भएका छन्, के ठाउँ बाँकी पनि छन्। त्यसैले चाहिँ हामी सबै मिलेर जाउँ, हेर्नु पार्टीलाई बलियो बनाउँ उनीहरू। त्यस कारण चाहिँ यो कुरा हामी मिठाउँ कि एमाले प्रचण्ड फुटिहाले हामी हार जितिहाल्छौँ, त्यो मिल्दियो भने नि हामी लखेटो लखेटो कहाँ जान्छ, भोलिको प्रभाव व्यापार घाटा भनेर मन्त्री भोलि व्यापार घाटा छ नेपाल, मैले ल्याएको होइन व्यापार घाटा, पहिलेदेखि ल्याएको व्यापार घाटा थियो यहाँ नेपालमा, मैले व्यापार घाटा बनाएको होइन, बरु एमसिसीले पैसा ल्याएको छ अहिले, हेर्नुहोस् व्यापार घाटा घाटामा धेरै ठुलो मद्दत हुन्छ एमसिसीमा, एमसिसीमा त्यत्रो ठुलो अनुदान आएको छ, व्यापार घाटा घटाइहाल्छ। अब यही एमसिसी पास भएको भोलिपल्ट थाहा छ, युएसआइडी डबल पैसा दिन्छु, युएसआइडी अमेरिकाले हो त्यो, त्यसले चाहिँ डबल पैसा दियो भन्नु एमसिसीमा त डबल पैसा दिन्छु, त्यस्तै अब एडिबिल दिनेवाला छ, वर्ल्ड ब्याङ्क दिनेवाला छ, त्यस कारण चाहिँ एमसिसी पास गरेर नेपालमा पैसा धेरै आउनेवाला छ, व्यापार घाटालाई के हेर्दा घटाउनु ठिक छ, अब के गर्नुहुन्छ, सारा इम्पोर्ट छ, सारा विदेशबाट ल्याउँछ, कपडा विदेशबाट ल्याउँछ, खाद्यान्न पनि आउँछ, खाद्यान्न पनि विदेश आउँछ, तरकारी विदेशबाट आउँछ, हामी त सबै विदेशबाट बाहेक आउनु हुन्छ, त्यहाँबाट मास हामी यहाँ मास हिसाबमा पैदा हुन्छ, सस्तो हुन्छ, हाम्रो यहाँ महँगो हुन्छ, के हुन्छ त्यस्तो अवस्था भएको ठाउँमा चाहिँ अब फेरि अब के छ भने बजार अर्थतन्त्र भइसक्यो, जहाँ सस्तो छ त्यही किन्ने मान्छे महँगो को किन्दैन नि, आफ्नो देश भनेर कहाँ किन्छ, आफ्नो देशबाट लुगा कहाँ किन्छ, राम्रो लुगा लाउँछु, त्यसरी चाहिँ म तपाईँहरू हुन्छ हाम्रो चाहिँ हामी सिधै यसरी मिल्ने भने आएन, मैले नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर पर्छ मिल्ने भने आएन, मैले नेपाली काङ्ग्रेस बलियो बनाऊँ, सबैलाई मिलाउँ, हाम्रो कर्तव्य नै मिलाउँ भन्ने कुरा हो, त्यसै भावना चाहिन्छ पनि नआएकै होइन, सबै भावना सबै पाउँछ नि, भावना खेला पनि छ, मिलाएर गरौँ सबैले मिलाउँ, सबैलाई सबैको पार्टी हो, नेपालको पार्टी होइन, त्यस कारण सबैलाई चाहिँ मिलाएर लैजाउँ, यही मेरो कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ सबै साथीभाइहरूले चाहिँ जिम्मेदार भएर हिँड्नु पर्यो, कुराहरू गर्नु पऱ्यो, हाम्रो चाहिँ
अहिलेको बेलामा राष्ट्रलाई मिलाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व छ, प्रजातन्त्रको शुद्धिकरण गर्नु छ, संविधानको रक्षा गर्नु छ, नेपालको एकतालाई स्थापित गर्नु छ, यस्तो अवस्थामा हामी सबै एक भएर जाउँ। दोस्रो दिश काङ्ग्रेसके नेता और जे नेपाली काङ्ग्रेसके जे महाधिवेशन भेल रहे ओहिमे ओ सभापतिमे लड़ल रहथि डॉक्टर शेखर कोइराला, हुनकर एकटा चिंता छै जे यदि गठबंधन होइ छै तऽ काङ्ग्रेसके बेसी घाटा भऽ सकैए, काङ्ग्रेसके नाफासँ बेसी घाटा भऽ सकैए चुनावमे, ताहि दुआरे ओतेक उपयुक्त नहि छै जे गठबंधन होइ तऽ कहीं काङ्ग्रेस कमजोर भऽ जेतै कि ओकर संगठन धीरे 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 गठबंधन संस्कृति के कारण से कमजोर भऽ जेतै कि जे, और कहीं अवस्था ई नहि भऽ जाय जे भारत के जे काङ्ग्रेस आई के अवस्था छै जे विपक्षी दल के हैसियतो प्राप्त नहि छै भारत में, कहीं वो अवस्था में काङ्ग्रेस नहि पहुँच जाए हुनकर चिंता छै। ताहि दुआरे कि तऽ संगठन बलियो बनाओ आ तखन निर्वाचन में जाओ, नहीं तो कहीं न कहीं कांग्रेस आई के अवस्था में पहुंच गेली, अर्थात इन भारत के जे कांग्रेस के अवस्था छै वही अवस्था में पहुंच गेली, तो कांग्रेस के फिर अपन पुरान अवस्था में आनाई कठिन भलते, हुनकर ई विचार सुनल जाए। माने नेपाली कांग्रेस को अपने एउटा विचार छ, सिद्धांत छ, त्यो विचार र सिद्धांत लाई अगाडि बढाएर नेपाली कांग्रेस भित्र भएको गुट उपगुटलाई अन्त गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ गठबन्धन बनाएर हामी जानुपर्ने आवश्यकता म देख्दिन। तर नेपाली कांग्रेस भित्रको जुन गुट उपगुटहरूलाई मिलाएर अगाडि लग्ने प्रयास प्रधानमन्त्रीजी आदरणीय सभापतिजीले गरिरहनु भएको छ, म गरिरहनु भएको छैन भनेर भन्दिनँ, त्यसलाई अझ जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढाएर लग्न मेरो विनम्र आग्रह छ। एकातिर गठबन्धन गरेर हामी जाने तर नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूसित चाहिने मिलमिलाप नहुने, जिल्ला जिल्लामा नहुने, क्षेत्र क्षेत्रमा नहुने, प्रदेश प्रदेशमा नहुने हो भने जतिसुकै हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ भने पनि त्यो गठबन्धनको कुनै औचित्य हुँदैन। गठबन्धन कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदैछ। कसरी जाने हाम्रो हिजोदेखि छलफल चलिरहेको छ, त्यो छलफलले एउटा निचोड निकाल्छ, त्यो निचोडले हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। र यसचोटि स्थानीय निर्वाचन मात्रै होइन, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि हामीहरूले जित्न जरुरी छ। गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिए, त्यो चिन्ता हामीहरूलाई छ, त्यो नमिलोस् भन्ने हामीहरूको चिन्ता हो। तर गठबन्धन गर्दा कहीँ नेपाली कङ्ग्रेसको विचार, नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि त्यत्तिकै हामी सबैलाई लागेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ शेरधनी साथीहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएको छ, तपाईँहरूको चिन्ता पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ। गठबन्धन गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस कहीँ कमजोर त हुँदैन, कता कता मलाई आभास हुन्छ भारतको कङ्ग्रेस आई म सम्झिन्छु 10 वर्ष पहिलेको कङ्ग्रेस आई, गठबन्धन गर्दा गर्दै आज चारैतिर कमजोर भएको अवस्था छ। राजनीति अहि रूपसँ खिचातानीके विषय छै गठबन्धन स्थानीय तहमे जतै, लेकिन सँगसँगै गठबन्धनसँ एकटा जे अवस्था ई छै कि जनताके विचारके, जनता जखन हम अहाँ जेना अपनेके कहलहुँ जे सबसँ नजदीकके निकाय कोनो छै तऽ ओ छै अहाँके
स्थानीय सरकार हमरा अहाँ के, तो जो स्थानीय सरकार हमर अहाँ के सबसे नजदीक के निकाय छै, तो कौन व्यक्ति हमर प्रतिनिधि बने वो हमरा अधिकार होबक चाही, नहीं कि राजनीति दल सब जे गठबंधन करते वही में अगर कोई पक्ष में खसते, कोई विपक्ष में हेत, कोई करो कार्रवाई हेत, तो एक त्रासपूर्ण अवस्था में जे चुनाव हो निर्वाचन होते वो अहाँ के खास क के आब वाला दिन में विकास और समृद्धि जे हमर सब के चाहना है, जनता के चाहना है, वो पूरा नहीं भ सकिया। ये गंभीर विषय है। तो जनता के सोच के जे आब हम सब यदि गठबंधन भ जाए तो गठबंधन संस्कृति के पाछा जाए या योग्य व्यक्ति के हम सब अपन नेता बनाबी, अपन हुनका सब के जनप्रतिनिधि बनाबी, दायित्व दी, से आम जनता के सोच के विषय छे। ई तमाम परिस्थिति में एमाले कह रहल छै जे कम से कम डेरायल त छे हमरा सा, जे हम बलियो छी, मजबूत अवस्था में हम छी, कम से कम ई आतंक त तोरा मन में छौ जे गठबंधन नहीं करबे तो हमरा नहीं हराब सके छी, एतेक बुझाई या एते बुझला त तोरा बुझाई पड़लौ। एकर कारण ओकर बुझाई छै नेकपा एमाले के, जे हम जे विकास के लिए, हम जे जनता के समृद्धि देलिए, वैसा जनता हमरा पक्ष में नहीं कि ई जे तै दुआरे ई सब हमरा एक बेर एके बेर अर्थात एक एकटा पार्टी नहीं पराजित कर सकिए, तै दुआरे सब गठबंधन कर चाहि रहल छै। के पी शर्मा ओली कहलखिन जे पुष्पकमल दहाल के जे राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, हिंदी गीत के आई वो संदर्भ जोड़ के कहलखिन जे प्रचंड के हम सब सुधार के बहुत प्रयास कैली, लेकिन वो सुधर के प्रयास नहीं कैलखिन, और जे के कारण से वो अहाँ के हमर सबके प्रयास असफल भ गेल। बागमती के पानी जे कहबै जे फोहर भ चुकलै, गंदा भ गेलै, मुदा सुधार के अवस्था नहीं छै। दोसर दिस हुनकर एकटा टिप्पणी रहे मधेश केन्द्रित दल सब पर, जे मधेश केन्द्रित दल में सह अस्तित्व एक दोसर के अस्तित्व स्वीकार के अवस्था नहीं छै, जे के कारण से हम सब ककरो एगो के मंत्री बना दिए तो दोसर आदमी कहे जे हुनका क्या मंत्री बना दिलिए, हमरा बना दी, तो ई संस्कृति खास कर के मधेश केन्द्रित दल में छै हुनकर कहब छै। तब अवस्था समग्र में राजनीति अवस्था यही दिशा में जा रहल छै, समाजवाद के सपना देखा कर जे राजनीति दल सब काज कर छै, तो अवस्था नहीं छै। अपने सबके के पी शर्मा ओली के टिप्पणी सुनबै छी, तकर बाद फिर दोसर विषय पर प्रवेश करब। अरुले अब चुनाव में कांग्रेस के बनेर चुनाव में जाने अरे भन्दा अघिल्लो सरकार को भंडाफोड गर्न जाने, उसँग आफूले के गरे भन्ने त केही पनि छैन। एउटा भत्किएको फालिएको जनताले उखेलेर फालेको राजतन्त्रको हिमायती एउटा मैले अस्ति गराउँदै देखेँ थिएँ युट्युब। यति वर्षदेखि के गरे यी शक्तिहरूले, पार्टीहरूले के गरे यति वर्षदेखि, अनि 240 वर्ष राजतन्त्रले के गर्यो त? अलिक सच्याउन सकिन्छ कि प्रचण्डलाई भनेर ल्याइयो। मैले पहिले पनि भने, ड्रामका ड्राम पानी खर्च भयो, डल्लाका डल्ला साबुन खर्च भयो, धुँदा धुँदा हिन्दीमा एउटा फिल्मी गीत छ, राम तेरी गङ्गा मैली पापीहरूको पाप धोते धोते, हाम्रो पनि बागमती नै मैली हो, माओवादीलाई पखाल्दा पखाल्दा साबुन ल्याएर यहाँ घरैमा ल्याएर पनि कोसिस गरेँ, तर अन्तिममा एउटा स्यालले एउटा निलो कपडा रङ्गाउने रङको भाँडामा खसेछ स्याल, निलो पानी रङ्गाएका ठाउँमा निलो भयो, बाहिर निस्किएपछि खुब धाक लगाएछ, म त अरू जस्तो होइन, निलो स्याल, निलो वनको राजा, यो बाघले शेरले सबले ढाँट्या छ, वास्तवमा वनको राजा चाहिँ निलो हुन्छ, मै हो, वनको रङसँग मिल्दो मै हो निलो, खुब धाक लगाएछ। अनि तिमी के जातको हौ त खासमा, बाघ हो कि सिंह हो कि स्याल हो कि भन्दा केही पनि होइन, वनको राजा निलो हुन्छ। भोक्याएर भन्टाने सबैले,
पछि टाढा कतै स्याल गराएको सुनेछ एउटा स्याल गराएपछि स्यालको जात जासुकै होस् एउटा स्याल गराएपछि सुनेपछि त्यो स्यालले ठ्याक्कै ठाडो घाँटी लगाएर कराउनु पर्छ एउटा कराउँदै कराउनु माओवादीलाई पनि हामीले त्यसै गरेर ढिलै स्याल हो कि भनेको थियो पर्ने बित्तिकै त उसले त ठाडो घाँटी लगाएर कराइहाल्यो मुक्त भएर मैले अरूलाई भनेको होइन यो प्रचण्डलाई भनेको है नेकपा एमाले मजबुत छ बलियो छ भन्ने कुरा त पहिलेको सरकार हेरे हुन्छ सरकारमा बस्नेहरूले भन्छन् अहिले कङ्ग्रेसले सभापति भेला गर्यो सभापति भेलामा सभापतिहरूले भने तालमेल गर्नुहुँदैन हामी कमजोर हुन्छौँ झन् साह्रो कमजोर हुन्छौँ तालमेल गर्दा एक्लै लड्नुपर्छ कङ्ग्रेस केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालीले सबैलाई गाली गरे के बुझाएको छ मैले माथि टुप्पाबाट ढिस्काबाट हेरेको छु मैले ढिस्काबाट देखाएको छु एमालेको मौसम कत्रा छ एक्लै लड्ने एमालेसँग नचाहिने कुरा गर्ने तिमीहरूले भनेर सभापतिहरूलाई उनले गाली गरे केन्द्रीय सभापति एमालेसँग एक्लै लड्ने दुस्साहस गर्ने सकिँदैन सही बुझे शेरबहादुरजी शेरबहादुरजीले सही बुझे आधा सही बुझे एक्लै एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझे आधा के मागिरह्यो भने सबै मिलेर पनि एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ बुझा त्यति चाहिँ बाँकी एक्लै त सकिँदैन सकिँदैन सबै मिले पनि सकिँदैन पाँचवटाले पुग्दैन भने दर्ता भएका जति सबै दल साथै लिएर गए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् नि अहिले चुनावका लागि कतिवटा सयवटा सत्तरी होस् है त्यस्तै होला साठी होला नब्बे होला ती सबै दल मोर्चा कसेर एमालेका विरुद्ध आए पनि हुन्छ युवा हुँदाखेरि हलो जोत्थेँ त्यो हलोमा चाहिँ त्यो झारपातहरू कहिले कहिले त्यो उसको खेतीको बेला झारपातहरू खुब हलोमा आएर चाहिँ चल्नै नदिने हलोमा हलोलाई अलिकति उचाल्नुपर्छ झारपात त्यो लागेको हुन्छ त्यसलाई हाम्रो भाषामा चाहिँ लुडी हुन्छ त्यसलाई लात्तरै बेसेर दिनुपर्छ त्यस्ता हलमा ल्याउने त्यो हलोमा आइ लाग्ने लुडीहरूलाई हलो अलिकति उठाएर लात्तरै दिएर दर्शकबिन अखन के राजनीति विकास या समृद्धि के दिस नै जाकऽ अखन एकैटा चीज पर छै जे गठबन्धन करी गठबन्धन नै करी गठबन्धन के मोडालिटी के हेतै कोइ कहि रहल छै जे ठीक छै हरेक जगह गठबन्धन करू केन्द्र मे बैसू गठबन्धन करू आ हमरा सबके उम्मीदवारी पर कतौ भ रहल छै जे नहि नहि जतऽ जे मजबूत अवस्था मे रहै ओहि के गठबन्धन करी तऽ समग्र मे यदि गठबन्धन हेतै तऽ अवस्था ई हेतै जे हमर अहाँ के जे इच्छा और आकांक्षा छै जे हम जे चुनाव अपन प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि ई कतौ ने कतौ कहीं कुंठित नहि भ जेतै ई जनता के खबरदारी सचेतता होनाइ जरूरी छै जे हमर जनप्रतिनिधि केहन काज करत दोसर यदि जे अखन जे निर्वाचित जनप्रतिनिधि छथि ओ सब अबै छथि तऽ जरूर पुछबै जे अहाँ हमरा लेल की विकास केली आबऽ वला जे निर्वाचित या उम्मीदवार हेता हुनका से ही पुछबै जे हमर आबऽ वला हमरा क्षेत्र के हमरा वार्ड के हमरा नगर के विकास के अहाँ के एजेंडा की यही हिसाब से जँ जनता सचेत हेतै जनता अपन अधिकार के लेल जनता नीक से मतदान करते अपन प्रतिनिधि के चयन करते तै अवस्था में मात्रे जे हमर सबके या आम जनता के जे चाहना छै समृद्धि विकास सुशासन सहित के पारदर्शी सरकार ई सफल भ सकैया दोसर दिन दोसर विषय वस्तु लग फेर आयब ताधर के लेल विदा दिया नमस्कार।